नमस्कार दोस्तों। तो अभी अपन शुरू करते हैं ACF एनवायरनमेंट में आपकी जो 8वीं यूनिट चल रही है, उस 8वीं यूनिट में अपना लास्ट टॉपिक बचता है मेथेडोलॉजी ऑफ EIA फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। EIA के लिए कौन से मेथड अपनाए जाते हैं वो अपन इसमें विस्तार से देखेंगे। आपको ये मेथड कहीं पे भी नहीं मिलेगा। EIA की जो मेथड है किसी भी बुक में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको आपको आराम से समझना है और जितने भी नोट्स हैं उनको आपको वीडियो देखते देखते साथ में उतार भी लेना है। वैसे मैं ये नोट्स जो है वो आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा। अपना जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दक्ष साइंसेस साइंस क्लासेस, तो उससे भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले अपन देखेंगे, कल जो अपने दो क्वेश्चन बताए थे वो अपन पहले उसके आंसर में बताऊंगा, फिर इसके बाद में दो क्वेश्चन और आपके सामने हैं जिनको अपन चर्चा करेंगे और इसके आंसर आपको देने हैं, जिसके उत्तर जो है वो कल की जो क्लास होगी उसमें आपको मिल जाएंगे। कल अपन ने क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया था कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। इसमें मुख्य कारण पूछा था, जैव विविधता के ह्रास के का मुख्य कारण, कारण इसमें जो चार देखे थे, हालांकि चारों कारण ही जैव विविधता के जैव विविधता के आपके ह्रास के कारण है, लेकिन इनमें जो सबसे उपयुक्त कारण है वो है उस आवास का नष्ट होना, यानी डी ऑप्शन जो इसमें था, डी ऑप्शन आपके था इसमें, प्राकृतिक आवास का विनाश। जो प्राकृतिक आवास का विनाश होता है वही इसमें मुख्य कारण होता है, जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण। दूसरा क्वेश्चन था, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, ये इसका आंसर होगा। ये दो क्वेश्चन आपको दिए थे, जिसने भी आंसर गलत दिए हैं वो दोबारा सुन ले। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर होगा प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जो आपके ऑप्शन में देखा है प्राकृतिक आवास विनाश के से, डी ऑप्शन। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है उष्णकटिबंधीय जो वन है उनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब पहला क्वेश्चन आज का अपना है कि भारत का वह अभयारण्य जहां हाथियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, वह अभयारण्य जहां पर हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन ए दूधवा, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी मानस और ऑप्शन डी है नंदा देवी। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन दो है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। भारत सरकार ने भारत का पहला कौन सा अभयारण्य घोषित किया, पहला कौन सा अभयारण्य है। ए ऑप्शन में है जिम कॉर्बेट, बी में है बांदीपुर, सी में है डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य और डी में है मानस वन्य जीव अभयारण्य। तो ये दो क्वेश्चन है, इनके आंसर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पॉजिटिवली इनका आंसर देना है। अब अपन शुरू करते हैं अपना मेथडोलॉजी ऑफ EIA फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मेथेडोलॉजी फॉर EIA ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट, मेथेडोलॉजी ऑफ EIA फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। EIA अपन ने इस यूनिट में पढ़ा है, तो EIA के कौन से तरीके होते हैं जिसके द्वारा पर प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसका आकलन उससे किया जाता है। तो इसके लिए कई मेथड हैं, जैसे चेकलिस्ट मेथड है, तो एक मैट्रिक्स मेथड है, फिर इसके बाद में एड हॉक मेथड है, इसके साथ में एक नेटवर्क मेथड है, फिर आपके वो क्या बोलते हैं उसको एड हॉक मेथड है, ओवरले मैप मेथड है, साथ में ही एक बेटली मेथड है। ये छह मेथड हैं जिसके द्वारा अपन EIA का मापन करते हैं। ये EIA के मापन में काम आते हैं। इनमें जितने भी तरीके हैं वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से या फिर जो गवर्नमेंट है उसके अनुसार इसको अपनाए जाते हैं। EIA मेथोडोलॉजी जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए तैयार किए जाते हैं और इसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले जो
जितने भी प्रभाव हैं, चाहे वो सकारात्मक प्रभाव हो या फिर नकारात्मक प्रभाव हो, उत्क्रमणीय प्रभाव हो या फिर अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रभाव हो, प्राइमरी इफेक्ट हो या सेकेंडरी इफेक्ट हो, यानी प्राथमिक प्रभाव पड़े या फिर द्वितीयक प्रभाव पड़े, तो इस प्रकार इन प्रभावों का आकलन इसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मेथेडोलॉजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। EIA मेथेडोलॉजी का मेथड का उपयोग किसी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन में किया जाता है। प्रभाव के आकलन में इसका उपयोग किया जाता है। इससे अनुमान लगा सकते हैं अपन कि प्रभाव जो है वो कितना पड़ेगा और प्रभाव का जो स्तर होगा वो कितना होगा, तो इसका अपन पता लगा सकते हैं। इससे प्रभाव के धनात्मक या ऋणात्मक होने का आकलन किया जा सकता है। साथ में ही प्राथमिक प्रभाव द्वितीयक प्रभाव रिवर्सिबल इफेक्ट या फिर इरिवर्सिबल इफेक्ट या फिर डायरेक्ट इफेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट का आकलन किया जा सकता है। इसके साथ में ही जो प्रभाव होते हैं उनके गुणात्मक और मात्रात्मकता का भी आकलन किया जा सकता है। प्रभाव के गुणात्मक या मात्रात्मकता आकलन संभव हो पाता है। तो ये EIA मेथड के उपयोग हैं। इसके द्वारा जो प्रभाव होते हैं, धनात्मक प्रभाव होंगे या फिर ऋणात्मक प्रभाव होंगे, ये अपन पता लगा सकते हैं। प्रभाव प्राथमिक होगा या द्वितीयक प्रभाव होंगे, प्रभाव रिवर्सिबल होंगे या फिर इरिवर्सिबल होंगे, डायरेक्ट इफेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, प्रभाव क्वांटिटेटिव होगा या फिर क्वालिटेटिव, गुणात्मक होगा या फिर मात्रात्मक होगा, इसका आकलन इसके द्वारा अपन लगा सकते हैं। EIA के गुण धर्म क्या क्या होते हैं, EIA मेथड जो है उनके क्या 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 गुण होने चाहिए जिससे कि उनको अपनाया जा सके। EIA के गुण, EIA के द्वारा किसी भी परियोजना जो लगती है उसके वैकल्पिक रास्ते अपन खोज सकते हैं। परियोजना के पर्यावरण पर प्रभावों के वैकल्पिक तरीके खोज सकते हैं। वैकल्पिक तरीके खोज सकते हैं, साथ में ही प्रभाव के स्तर का आकलन कर सकते हैं। प्रभाव के स्तर का आकलन संभव हो ऐसे
ईआईए मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए। ये ईआईए मेथड है, मेथड के कौन से गुणधर्म होने चाहिए, साथ में ही इसके द्वारा गुणात्मक व मात्रात्मक सूचना भी मिलनी चाहिए, गुणात्मक व मात्रात्मक सूचना मिलनी चाहिए। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। ये इंफॉर्मेशन अपने को इससे प्राप्त होनी चाहिए। साथ में ही ये जो मेथड है ये इकोनॉमिक होने चाहिए, मेथड इकोनॉमिक होने चाहिए, यानी इससे यह नहीं हो कि प्रोजेक्ट जो है उससे उस पर ईआईए के मेथड जो है उन पर ही बहुत ज्यादा इकोनॉमिक दबाव उस पर आ जाए, यानी उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाए। साथ में ही वर्तमान के जितने भी स्थिति है उसको ये आराम से उजागर कर सके, ये जो है ईआईए मेथड के गुणधर्म होने चाहिए। पर्यावरण के जो प्रभाव के वैकल्पिक तरीके हैं वो खोजने में ये ईआईए मेथड सहायक होने चाहिए। प्रभाव के स्तर का भी आकलन करने में सहायक होने चाहिए, गुणात्मक और मात्रात्मक सूचना भी मिल सके, और मेथड जो है वो इकोनॉमी भी होने चाहिए और वर्तमान की स्थिति के अनुसार उनका आकलन संभव हो सके। अब देखेंगे कि ईआईए जो है उसके कौन से मेथड है। मेथड ऑफ ईआईए, ईआईए के मेथड में पहला मेथड है आपके चेकलिस्ट। चेकलिस्ट दूसरा है आपके, पहला कौन सा है, चेकलिस्ट है। दूसरा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मेथड। तीसरा है आपके नेटवर्क मेथड। चौथा है मैप ओवरले मेथड, मैप ओवरले मेथड। पांचवा है एड होक मेथड और छठा है द बेटली मेथड। और एक और आता है वो भी आप वैसे उसको डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे, वो आपके है आपके कॉस्ट बेनिफिट मेथड, कॉस्ट बेनिफिट मेथड। ये भी मेथड कई बार काम में लिया जाता है। तो ये 6-7 मेथड हैं, चेकलिस्ट मेथड, मैट्रिक्स मेथड, नेटवर्क मेथड, मैप ओवरले मेथड, एड होक मेथड, बेटली मेथड और कॉस्ट बेनिफिट मेथड। ये 7 तरीके हैं जिसके द्वारा अपन जो ईआईए है उसका निर्धारण करते हैं। इसमें सबसे पहले चेकलिस्ट की बात करें तो इसमें चेकलिस्ट तैयार की जाती है, उसमें चेकलिस्ट में राइट या रोंग का निशान लगाया जाता है। चेकलिस्ट भी कई प्रकार की होती है, वो अपना आगे डिटेल में देखेंगे। इसी प्रकार मैट्रिक्स तैयार की जाती है, एक्स और वाई एक्सिस पे टेबल तैयार की जाती है। नेटवर्क, नेटवर्क में एक चीज से नेक्स्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस प्रकार उसका पूरा एक मैप तैयार हो जाता है, नेटवर्क तैयार हो जाता है। इस प्रकार से नेटवर्क होगा, ये पूरा एक नेटवर्क इस प्रकार से तैयार हो जाता है, उसको नेटवर्क मेथड कहते हैं। मैप ओवरले मेथड, इसके द्वारा एक जो कारक है वो दूसरे कारक पर प्रभाव डालता है, इसलिए मैप ओवरले मेथड काम आता है। एड होक मेथड, बेटली मेथड और कॉस्ट बेनिफिट मेथड, ये सारे मेथड हैं, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आपके चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। चेकलिस्ट मेथड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहले अपन बात करें चेकलिस्ट मेथड होता क्या है। चेकलिस्ट में एक तुलनात्मक लिस्ट तैयार की जाती है
और इस लिस्ट में पर्यावरण प्रभाव और जो इम्पैक्ट इंडिकेटर होते हैं उनको दर्शाया जाता है, और इसके द्वारा पर्यावरण पर जितनी भी गतिविधियां पड़ेंगी उनको उनका निर्धारण से इसके द्वारा करते हैं। इसमें एक तुलनात्मक चेकलिस्ट तैयार की जाती है जिसमें इन्वायरमेंट कंपोनेंट वह पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण होता है। तो ये चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन भी हो सकते हैं चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, चेकलिस्ट आपके थ्रीशोल्ड चेकलिस्ट होती है, क्वेश्चन चेकलिस्ट होती है, सिंपल चेकलिस्ट होती है, और एक स्केलिंग चेकलिस्ट होती है। ये पांच प्रकार की है। पहली है सिंपल चेकलिस्ट, सिंपल चेकलिस्ट पहली कौन सी आपके सिंपल चेकलिस्ट। दूसरी है डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट। तीसरी है क्वेश्चनरी मैच चेकलिस्ट, क्वेश्चनरी चेकलिस्ट। चौथी आपके थ्रीशोल्ड मैट्रिक्स, और पांचवी है स्केलिंग चेकलिस्ट। ये पांच प्रकार की चेकलिस्ट इसमें होती है। सिंपल चेकलिस्ट, डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, क्वेश्चनरी चेकलिस्ट, थ्रीशोल्ड चेकलिस्ट और स्केलिंग चेकलिस्ट। ये पांच प्रकार की चेकलिस्ट होती है। सिंपल चेकलिस्ट, सिंपल चेकलिस्ट में अपने को सही या क्यों इसमें इस प्रकार से देखे होंगे आपके पर्यावरण के इंडिकेटर, जल वायु मृदा ये सारे देखे होंगे, और आपको इसके जो प्रभाव हैं धनात्मक प्रभाव या ऋणात्मक प्रभाव उसमें क्रॉस लगाना है या टिक का आंसर ये देना है। इस प्रकार इसमें सिंपल चेकलिस्ट तैयार की जाती है। डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, इसमें जो प्रभाव पड़ते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव रूप से लिखा जाता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वो लिखा जाता है। क्वेश्चन चेकलिस्ट, इस चेकलिस्ट में क्वेश्चन के रूप में चेकलिस्ट तैयार की जाती है। थ्रीशोल्ड चेकलिस्ट, इस चेकलिस्ट में जो भी प्रभाव पड़ता है जैसे आपके ध्वनि प्रदूषण है तो ध्वनि प्रदूषण की माप कितनी है उसके हिसाब से उसको नंबर दिए जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से थ्रीशोल्ड सेट की जाती है। स्केलिंग चेकलिस्ट, इसमें स्केल तैयार की जाती है और स्केल के अनुसार ही इस पे चेकलिस्ट का मापन इसमें होता है। पहला अपन देखेंगे आपके सिंपल चेकलिस्ट। सिंपल चेकलिस्ट में, सिंपल चेकलिस्ट में एक इसमें पर्यावरण पैरामीटर की एक लिस्ट होती है, पर्यावरण पैरामीटर की चेकलिस्ट होती है। लेकिन ये जो तो चेकलिस्ट होती है ये कोई इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। इस चेकलिस्ट हेतु पर्यावरण प्रभाव वह पर्यावरण पर्यावरण कंपोनेंट हेतु प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। यानी कोई ऐसी निर्धारित इसमें पैमाना नहीं होता है, अपनी इच्छा अनुसार सारा सब कुछ कर लिया जाता है, इसलिए इसको सिंपल चेकलिस्ट कहते
कहते हैं। पैरामीटर की इसमें चेकलिस्ट होती है, लेकिन ये जो पैरामीटर होते हैं ये कोई प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू तैयार नहीं किए जाते, इसलिए ये काम नहीं आती है। सिंपल चेकलिस्ट। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट। डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट में जो पैरामीटर होते हैं वो उनकी प्रॉपर गाइडलाइन तैयार रहती है। पर्यावरणीय पैरामीटर की प्रॉपर गाइडलाइन होती है, इनके लिए प्रॉपर गाइडलाइन इसकी होती है, इसलिए ये ऑथेंटिक मानी जाती है। तीसरी आपकी है क्वेश्चनरी चेकलिस्ट। ये जो चेकलिस्ट होती है इसमें क्वेश्चन के रूप में यानी प्रश्नों के रूप में जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने वाले होते हैं उनको क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है, और ये प्रभाव डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं और नॉन बेनिफिशियल भी होते हैं। प्रश्नों के रूप में पर्यावरण प्रभावों को तैयार किया जाता है और इन क्वेश्चनों का फिर आंसर देना होता है, और इन आंसर के हिसाब से ही लिस्ट तैयार की जाती है। तो पहला आपने देखा सिंपल चेकलिस्ट, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, और तीसरा है क्वेश्चनरी चेकलिस्ट, चौथा है थ्रीसोल्ड चेकलिस्ट। थ्रीसोल्ड चेकलिस्ट, थ्रीसोल्ड चेकलिस्ट, ये जो चेकलिस्ट होती है इसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की एक थ्रीशोल्ड लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि इस सीमा तक कोई अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो विद इन लिमिट है, और इस सीमा से अगर आगे प्रभाव पड़ता है तो वो पर्यावरण डिग्रेडेशन की श्रेणी में आता है। इसलिए इसमें पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों की लिमिट तय की जाती है। और इस लिमिट के आधार पर ही पर्यावरण जो है उसका उसके जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उसका स्तर तय किया जाता है, प्रभावों का स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर ये जो लिमिट सेट कर की जाती है इसके इससे अगर जैसे 80 डेसिबल का जो नॉइस होती है वो उससे अधिक की नॉइस जो है वो किसमें आती है, पर्यावरण प्रदूषण में आती है। इसी प्रकार अपन ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से आपके 101 से 150, 151 से 200, इस प्रकार ये जो लिमिट तैयार की जाती है इसी प्रकार इसमें थ्रीशोल्ड चेकलिस्ट तैयार की जाती है। पांचवा है स्केलिंग चेकलिस्ट। स्केलिंग जो चेकलिस्ट होती है, स्केलिंग चेकलिस्ट में जो पैरामीटर होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट की भांति होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त सूचना और अतिरिक्त पैरामीटर होते हैं। यह है डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट की भांति होती है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त पैरामीटर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अतिरिक्त पैरामीटर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो अपन ने देखा कि जो चेकलिस्ट होती है वो चार पांच प्रकार की होती है,
सिंपल चेकलिस्ट, दूसरा आपके क्वेश्चन चेकलिस्ट, तीसरा आपके डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, चौथा आपके थ्रीशोल्ड चेकलिस्ट और पांचवा है स्केलिंग चेकलिस्ट। ये पांच प्रकार की चेकलिस्ट अपने अभी देखी है। अब अपन बात करेंगे मैट्रिक्स की। सेकंड मेथड इसमें क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स में कौन सा है पहला, पहला आपके है सिंपल मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले अपन मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स में एक टेबल तैयार की जाती है और 2D टेबल तैयार की जाती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस प्रकार से एक टेबल तैयार की जाती है। एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे इस प्रकार से डाटा लिए जाते हैं, एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, इस प्रकार इसमें डाटा लिए जाते हैं और उनके आधार पर मैट्रिक्स तैयार की जाती है। इसमें जो प्रोजेक्ट गतिविधि होती है वो एक साइड में ली जाएंगी और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी एक साइड में तो यहां पर क्या लेंगे अपन, प्रोजेक्ट एक्टिविटी, और दूसरा लेंगे यहां पर एनवायरमेंट कंपोनेंट, या फिर एनवायरमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव, जैसे जल ले लिया, वायु ले ली, वायु गुणवत्ता या भूमि क्षरण, ये सारे कंपोनेंट लेते हैं अपन एक साइड में, और एक साइड में प्रोजेक्ट एक्टिविटी लेते हैं, और उसके आधार पर फिर अपन मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो इसमें इसमें 2D टेबल तैयार की जाती है, जिसमें एक अक्ष पर पर्यावरण कंपोनेंट व दूसरे अक्ष पर प्रोजेक्ट एक्टिविटी ली जाती है। ये इस प्रकार एक टेबल तैयार की जाती है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें निर्माण इसका कहां किया जाता है, किसी निर्माण कार्य, कोई निर्माण कार्य हो, या फिर कोई सड़क निर्माण या फिर कोई बांध निर्माण, या फिर किसी पूर्व संरचना जो निर्मित हो गई है उसको वापस डिग्रेड करना, तो उससे कहीं वातावरण जो है वो डिग्रेड नहीं हो जाए, डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर। इस डिमोलिशन, अपन जब किसी पुरानी बिल्डिंग को जो क्षतिग्रस्त हो जाती है वो, तो उसको डिमोलिश करते हैं, तो उसके कारण कहीं पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़े, इसका आकलन भी मैट्रिक्स के द्वारा करते हैं। साथ ही इसमें जो प्रभाव पड़ते हैं, प्रभाव का गुणात्मक व मात्रात्मक आकलन संभव है, मात्रात्मक आकलन कर सकते हैं। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, जो मेजरमेंट है वो अपन इसमें कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये कितने प्रकार की होती है मैट्रिक्स, जो होती है वो पांच प्रकार की होती है। पहला है सिंपल मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स जिसमें एक टेबल ही होती है। दूसरा है टाइम डिपेंडेंट मेथड मैट्रिक्स, टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स हो गया, टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स है, मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स, मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स। चौथा है लियोपोल्ड मैट्रिक्स, लियोपोल्ड मैट्रिक्स, और एक है वेटेड मैट्रिक्स, वेटेड मैट्रिक्स। ये पांच प्रकार की मैट्रिक्स तैयार की जाती है।
सिंपल मैट्रिक्स, टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स, मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स, लियोपोल्ड मैट्रिक्स और वेटेड मैट्रिक्स। ये पांच प्रकार की, पांच तरह की मैट्रिक्स हैं। इनके आधार पर अपन EIA का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स जो होती है इसमें एक एक्सिस पर तो एनवायरनमेंट कंपोनेंट लेंगे और दूसरे पर आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटी, दूसरे पर क्या लेंगे, प्रोजेक्ट एक्टिविटी। इस प्रकार सिंपल मैट्रिक्स तैयार की जाती है। दूसरी है टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स। टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स तैयार की जाती है, इस मैट्रिक्स में एक तरफ तो अपन लेते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटी और दूसरी तरफ अपन लेंगे एनवायरमेंट कंपोनेंट, लेकिन उसमें टाइम पीरियड भी अपन लेंगे, इसमें समय भी साथ में आता है। एनवायरमेंट कंपोनेंट के साथ समय भी लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अपन समय का मापन भी इसमें करते हैं। एक एक्सिस पर तो अपन ले प्रोजेक्ट और दूसरे पर क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो इस प्रकार टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स आती है। तीसरी है मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स। मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, एक तरफ तो अपन लेते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटी दूसरी तरफ अपन लेंगे एनवायरमेंट कंपोनेंट, एंड टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड क्या होगा, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। इन तीन तरह से टाइम पीरियड को दर्शाया जाता है। शॉर्ट टर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीडियम टर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स तैयार की जाती है। मैट्रिक्स इस प्रकार से तैयार की जाती है, यहां पर अपन प्रोजेक्ट एक्टिविटी लेंगे, उधर इधर इस साइड में अपन ये जो कॉलम होंगे इसमें अपन क्या लेंगे, एनवायरमेंट कंपोनेंट लेंगे और साथ में ही समय ले लेंगे, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। इस प्रकार इसमें मैट्रिक्स तैयार की जा सकती है, किसमें, मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स में। तो अपने कौन सी देख ली, सिंपल मैट्रिक्स देख ली, टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स देख ली और तीसरी आपके मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स देख ली। चौथी है लियोपोल्ड मैट्रिक्स, जो कि एग्जाम में आने के चांस हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में लियोपोल्ड मैट्रिक्स। चौथी है लियोपोल्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्वालिफाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्वालिफाइड मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं, क्वालिफाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, लियोपोल्ड मैट्रिक्स या फिर क्वालिफाइड मैट्रिक्स। इसमें एक इस तरफ तो पर्यावरणीय घटक या एनवायरनमेंट कंपोनेंट लेते हैं और दूसरी तरफ आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटी, प्रोजेक्ट एक्टिविटी। लेकिन इसको लेंगे किस तरफ, ये जो पर्यावरणीय घटक है इसको हमेशा अपन ऊर्ध्वाधर लेते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब है इसको आप वर्टिकल लेंगे, इसको आप वर्टिकल लेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल पे यानी क्षैतिज पे किसको लेंगे, अपन प्रोजेक्ट एक्टिविटी को लेंगे। पर्यावरणीय जो घटक होते हैं वो 88 होते हैं, 88 पर्यावरणीय घटक होते हैं, यानी इसमें 88 कारक लिए जाते हैं, जैसे आपके वायु की गुणवत्ता, पानी का, पानी की मात्रा, पानी का स्तर कैसा है,
भूमि जो है वो किस प्रकार की है, वो इस प्रकार से इसमें 88 घटक लिए जाते हैं और प्रोजेक्ट एक्टिविटी में 100 घटक लिए जाते हैं, 100 कंपोनेंट, और इसमें क्या लिए जाते हैं, 88 कंपोनेंट लिए जाते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स, लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो है वो एग्जाम में आ सकती है, पूछ सकता है आपको। पांचवा आपके है वेटेड मैट्रिक्स, वेटेड मैट्रिक्स, वेटेड मैट्रिक्स में जो पर्यावरणीय घटक होते हैं उनको एक वेट यानी एक मार्किंग दे दी जाती है, कि जैसे वायु क्वालिटी है उसको एक नंबर दे दिया, पानी की गुणवत्ता है उसको 2 नंबर दे दिया, इस प्रकार उनको वेटेज दे दिया। वेटेज मतलब कि पर्यावरण में उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसके हिसाब से उसको वेटेज निकाल दिया जाता है। वेटेज मतलब उसका भार कितना है पर्यावरण को निर्माण करने में, और पर्यावरण डिग्रेड होगा तो उस वस्तु के कारण या फिर उस घटक के कारण उस पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर उसको क्या दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। तो इसमें पर्यावरणीय घटकों को वेटेज दिया जाता है। और इन पर्यावरणीय घटकों के वेटेज को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी है उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, इसी को बोलते हैं वेटेड मैट्रिक्स। तीसरा है आपके नेटवर्क, अब आपके तीसरा है इसमें नेटवर्क मेथड, नेटवर्क मेथड, नेटवर्क मेथड में प्राथमिक जो प्रभाव पड़ते हैं उसके अलावा द्वितीयक प्रभाव का भी इसमें आकलन किया जाता है, और साथ में ही जो सब्सिक्वेंट प्रभाव पड़ते हैं यानी उत्तरोत्तर जब प्रभाव पड़ते हैं किसी एक चीज के कारण दूसरे जो उत्तरोत्तर सब्सिक्वेंट जो इफेक्ट पड़ते हैं उनका भी आकलन इसके द्वारा किया जा सकता है। और इसमें जो मुख्य मेथड काम में आता है वो है सोरेनसन मेथड, सोरेनसन मेथड जो है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, नेटवर्क मेथड है। इसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्राथमिक प्रभावों के साथ द्वितीयक व उत्तरोत्तर प्रभावों का भी आकलन किया जाता है। प्राथमिक प्रभाव मतलब प्राइमरी इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, और उत्तरोत्तर प्रभाव मतलब सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट इफेक्ट, इनका मापन इसके द्वारा किया जाता है। और साथ ही इसमें जो प्रोजेक्ट शुरू होता है उससे पहले ही अपन इन प्रभावों का आकलन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने से पूर्व ही प्रभावों का आकलन इससे हो जाता है, किया जा सकता है। और इसमें जो मुख्य मेथड है वो है सोरेनसन नेटवर्क मेथड, सोरेनसन नेटवर्क, सोरेनसन नेटवर्क मेथड जो है वो इसमें सबसे उपयुक्त है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉसिबल जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो लिए जाते हैं, साथ में ही करेक्शन एक्टिविटीज ली जाती हैं और कंट्रोल मेजर इसमें साथ में लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पॉसिबल पॉसिबल एडवर्स इंपैक्ट लिया जाता है इसमें एक तो, दूसरा आपके करेक्टिव मेथड, कौन से अपने ऐसे मेथड हैं जो काम में लेंगे जिससे किसी जो पर्यावरण क्षरण हुआ है उसको अपन वापस इससे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए अपन कौन सी एक्शन काम में लेते हैं,
क्या एक्शन इसके लिए अपन लेंगे, ये तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं। पॉसिबल एडवर्स इंपैक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है पॉसिबल संभावित। करेक्टिव मेथड क्या होंगे, अगर प्रभाव पड़ेगा तो फिर उसको सही करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे और उस मेथड का तरीका क्या होगा, ये इस नेटवर्क मेथड में काम में आता है। तो इसमें मुख्य कौन सा है, सोरेंसन मेथड जो है वो काम में आता है। चौथा है इसमें मैप ओवरले मेथड, मैप ओवरले मेथड। मैप ओवरले मेथड जो होता है उसमें जो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट एरिया होता है, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट एरिया, उसके कई प्रकार के मैप तैयार किए जाते हैं और उसमें फिजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और आपके एस्थेटिक एस्पेक्ट लेकर मैप तैयार किए जाते हैं। आजकल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपने पढ़ा था GIS का उपयोग भी इसमें किया जाता है वो मैप ओवरले मेथड में। तो इसके द्वारा अपन जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ऐसा एरिया जहां पर अपन प्रोजेक्ट लगाएंगे, उस प्रोजेक्ट एरिया में जो आपके फ्लड प्लेन है, जहां पर बाढ़ संभावित अगर क्षेत्र है उसका मापन अपन करते हैं, वेजिटेशन कितनी है, वाटर की क्वालिटी कितनी है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या है, तो सब का जो मैप के थ्रू अपन इसको तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैप तैयार किया जाता है, जितना भी प्रोजेक्ट एरिया होता है, प्रोजेक्ट एरिया का मैप तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट एरिया का क्या करते हैं, मैप तैयार करते हैं और मैप में क्या क्या लेते हैं अपन, मैप में अपन लेंगे सोशियल, इकोलॉजिकल, सोशियल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, सोशियल, फिजिकल, इकोलॉजिकल, एस्थेटिक एस्पेक्ट। ये जो एस्पेक्ट हैं ये इसमें अपन लेते हैं और इसके आधार पर अपन मैप तैयार करते हैं। वर्तमान में इसमें GIS मेथड के थ्रू के तहत मैप तैयार किया जाता है और इस मैप के आधार पर फिर अपन उसको उस डिटेक्ट करते हैं कि कौन से एरिया में क्या होगा। मैप जब अपन तैयार करते हैं तो साथ में ही प्रोटेक्ट जो एरिया होता है उसकी जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाटर रिसोर्स, ये जितने भी हो गया, वेटलैंड हो गया, इन सबको इस मैप के थ्रू दर्शाया जाता है। मैप ओवरले मेथड में क्या होता है, मैप तैयार किया जाता है, जो प्रोजेक्टेड एरिया है उस प्रोजेक्टेड एरिया में कितना हैबिटेट है, कितना वाइल्ड लाइफ है, कितना प्लांट है, कितना सोइल है, वेटलैंड क्या है, इन सबको मैप के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है और उस प्रभाव जो है उनको भी मैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा इसमें है एडहॉक मेथड। एडहॉक मेथड में पर्यावरण के समग्र पैरामीटर लिए जाते हैं, जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। साथ ही इसमें एक टीम गठित की जाती है और वो जो टीम होती है वो अपने क्षेत्र में रिलीवेंट होती है, जैसे कोई सोइल का एक्सपर्ट हो गया, कोई वाटर का एक्सपर्ट हो गया, तो वो अपनी रिपोर्ट इसमें तैयार करते हैं। इसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, प्राथमिक प्रभाव, द्वितीयक प्रभाव, रिवर्सिबल प्रभाव, इरिवर्सिबल प्रभाव, इन सबको शामिल करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और इस रिपोर्ट में प्राथमिक प्रभाव, द्वितीयक प्रभाव,
रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रभाव, ये जो प्रभाव है ये इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। और इस एडहॉक मेथड में समग्र पैरामीटर लिए जाते हैं, समग्र पैरामीटर लिए जाते हैं, यानी जितने भी पैरामीटर हैं वो इसमें सारे शामिल हो जाते हैं। साथ में ही इसमें जैसे वाइल्ड लाइफ है, वाटर रिसोर्स है, फ्लोरा है, फौना है, इसके अलावा आपके हैबिटेट है, सोइल कंपोजिशन है, एयर क्वालिटी है, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है और इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। एड हॉक जो मेथड है इसमें भी तीन मेथड शामिल होते हैं, ओपिनियन पोल, दूसरा है एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, जो कि 1960 में तैयार किया गया था। 1960 में अमेरिका में डेल्फी मेथड तैयार किया गया था। और किसके द्वारा तैयार किया गया, तो रैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा, रैंड कॉर्पोरेशन जिसने वहां की नेवी के साथ मिलकर इसको तैयार किया। तो एडहॉक मेथड के तीन मेथड हैं, ओपिनियन पोल, एक्सपर्ट पोल और डेल्फी मेथड। ओपिनियन पोल, लेते हैं अपन, जिस प्रकार से ओपिनियन होता है उसी प्रकार एक्सपर्ट के पोल ले लेते हैं, या फिर डेल्फी मेथड को अपन इसमें अपनाते हैं। ये तीन तरीकों से जो है एडहॉक मेथड तैयार है, इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये मेथड है एडहॉक मेथड, जिसमें समग्र पैरामीटर जो है वो सारे पैरामीटर इसमें ले लिए जाते हैं। एक लास्ट है बेटली मेथड, बेटली टेक्निक भी बोलते हैं, अन्य नाम बेटली इन्वायरमेंट यूल, बेटसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट में काम आती है, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें बेटली टेक्निक काम आते हैं, वो पहला प्रोजेक्ट है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसी प्रकार हाईवे जो होते हैं इनके लिए ये बेटली टेक्निक काम आती है। और इस बेटली इन्वायरमेंट इवोल्यूशन सिस्टम जो है इसमें पर्यावरण को चार भागों में बांटा जाता है, पहला है आपके इकोलॉजिकल, दूसरा है केमिकल या फिजिकल, एस्थेटिक, और चौथा है सोशियल या फिर ह्यूमन। इस प्रकार इन्वायरमेंट इवोल्यूशन सिस्टम में पर्यावरण को चार भागों में बांटते हैं और उसके आधार पर अपन रिपोर्ट तैयार करते हैं।
डेटली टेक्निक जो है इसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट और हाईवे के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए ये तैयार किया जाता है। और इसमें इनमें जो ये पर्यावरण को अपन चार भागों में बांटते हैं उसमें इंडिकेटर जो है उनको कोई मानक दे दिया जाता है और उसके आधार पर ये बेटली टेक्निक काम आती है। अब इसमें मुख्य मुख्य चीज ये है कि जो आपके जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट कमेटी होती है, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट कमेटी में मैक्सिमम 15 सदस्य होने चाहिए। इन्वायरमेंट एक्सपर्ट कमेटी इसमें मैक्सिमम सदस्य जो होते हैं वो कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। कितने सदस्य? 15 सदस्य इसमें होने चाहिए। गवर्नमेंट जो जो पर्यावरण विभाग है, पर्यावरण विभाग को 90 दिवस के अंतर्गत वो जो रिपोर्ट होती है उस पर अपनी कार्रवाई करनी होती है। 90 दिन के अंतर्गत 90 दिवस के अंदर अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको या तो अप्रूवल देना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है, तो ये कार्य 90 दिन में हो जाता है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, 90 डेज में क्लियरेंस देनी आवश्यक होती है इन्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको। साथ में ही इसमें एक चीज ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है उनकी संख्या 30 है। 30 प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत होती है। ये मुख्य 30 प्रोजेक्ट हैं जिनको तो एनवायरमेंट की क्लियरेंस लेनी ही लेनी पड़ेगी, इनको तो अनिवार्य है एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना। प्रोसीजर ऑफ ईआईए, ईआईए का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर में सबसे पहले अपन ने देखा कि जो प्रोजेक्ट लगाता है वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट किसको देता है? मिनिस्ट्री को देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को देता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो उसका स्टाफ उसको स्क्रूटिनाइज करता है। फिर इसके बाद में एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होता है, एक्सपर्ट कमेटी उसको इवैल्यूएट करती है। फिर इसके बाद में अप्रेजल कमेटी उसको इवैल्यूएट करती है और लास्ट में फिर जो मिनिस्ट्री होती है वो या तो इसको एक्सेप्ट कर लेती है या फिर इसको रिजेक्ट कर देती है। ये पूरा ईआईए का एक प्रोसेस होता है। इसमें ये मुख्य चीजें हैं। और साथ में ही जो प्रोजेक्ट जो जिसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाती है, जिस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाती है वो प्रोजेक्ट जब आगे चलेगा तो उसके लिए पूरे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मंत्रालय है उसके 6 कार्यालय हैं, 6 रीजनल ऑफिस इन्वायरमेंट क्लियरेंस के पास। बाद में ये जो 6 रीजनल ऑफिस हैं जिनमें अलग अलग 6 रीजनल ऑफिस पूरे भारत में हैं, तो उन 6 रीजनल ऑफिस में से कोई जिस ऑफिस के अंतर्गत वो राज्य पड़ेगा तो वो फिर आगे की एक्टिविटी को देखता है। यानी प्रोजेक्ट शुरू होने के पश्चात ये रीजनल ऑफिस जो है ये उसकी पर्यावरण मानक को निर्धारित करते हैं। तो इसमें रीजनल ऑफिस कौन से हैं? भुवनेश्वर में रीजनल ऑफिस है, भोपाल में रीजनल ऑफिस है, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ, यहां पर इनके रीजनल ऑफिस हैं। तो ये जो रीजनल ऑफिस हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के 6 रीजनल ऑफिस हैं। कौन से हैं? भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ और शिलोंग। तो जब इन्वायरमेंट क्लीयरेंस मिल जाती है तो उसके पश्चात जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उसके पश्चात आगे का जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं वो ये रीजनल ऑफिस देखते हैं। तो ये अपना पूरा ईआईए के साथ ही आपकी 8वीं यूनिट जो